जिन लोगों को भी दरभंगा एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार सालों से था, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि स्पाइसजेट ने दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। यहां पर स्पाइसजेट अपनी बुकिंग भारत के कई शहरों से शुरू कर चुकी है जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के नाम शामिल हैं। यदि आप इन शहरों में हैं और दरभंगा एयरपोर्ट में ट्रैवल करने वाले हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब स्पाइसजेट की फ्लाइटों के माध्यम से अब आप दरभंगा एयरपोर्ट आसानी से जा सकते हैं। इससे पहले दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू करने के काम में लगातार देरी हो रही थी लेकिन अब एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोशिशों के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स दरभंगा एयरपोर्ट को चालू करने की डेट लगातार बदलती रही है लेकिन फ्रेंड्स इस बार अब फ्लाइट की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है जिसके बाद अब ये विश्वास है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानें इस साल के आखिरी तक अवश्य ही शुरू हो जाएंगी। स्पाइसजेट अपनी टिकटों की बुकिंग नवंबर के पहले सप्ताह से ले रही है जिसके किराए की बात करें तो दिल्ली मुंबई से दरभंगा तक का किराया तकरीबन 3,700 से लेकर 3,800 तक का पड़ रहा है। सही में मिथिला वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि अब सभी मिथिला जाने वाले पैसेंजर दरभंगा एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल कर सकेंगे और साथ ही साथ इस समय दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में इन उड़ानों की बुकिंग भी काफ़ी जल्दी शुरू हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट यदि पूरे तरीके से चालू हो जाता है तो अवश्य ही ये बिहार की तरक्की में काफ़ी योगदान देने वाला है। पिछले कुछ समय में बिहार में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। यदि इस नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो बिहार में नए रोजगार के अवसर के साथ साथ नए व्यापार भी स्थापित होंगे। यदि आप भी इस समय दरभंगा एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अवश्य स्पाइसजेट से टिकट लेकर आप ट्रैवल करें।